उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी दुर्घटना सामने आ रही है, जहां पर एक कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर अचानक फट गया और इस बॉयलर के फट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जो ये कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर फटा है, ये पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह का बताया जा रहा है, जो बसपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वे समाजवादी पार्टी के नेता है। इस पूरी घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जहां पर मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। आपको बता दें, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अचानक कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर फट गया और इसके बाद छत ढह गई, जिसके मलबे में दबने से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। इस समय मौके पर कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। इस समय मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी राहत कार्य सही तरीके से हो। फिलहाल बॉयलर क्यों फटा और इसके पीछे का क्या कारण है, इस बात की कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां पर कई लोगों की जान पर बनाई है।